हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश जूनियर इंग्लिश ग्रामर में देख रहे हैं एडजेक्टिव। इसमें हम देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव में क्या क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन आएंगे। तो कह रहा है एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन। ये तो डिफिनीशन हो गई। अब आगे आ जाएंगे हम, इसके कुछ प्रकार के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, तो ये है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें नंबर वन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, जिसमें हमारा आता है गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टाल, यानी कलर जितने होंगे सब आ जाएंगे। उसके बाद शार्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, डॉट डॉट। इसका जो आंसर आता है वह कैसा, कैसी और कैसे के अर्थ में आता है। अर्थात हमें अगर निकालना है एडजेक्टिव आप क्वालिटी, तो उन प्रश्नों में हम कैसा, कैसी, कैसे लगाएंगे, तो ये आपका आंसर मिलेगा। आगे हम इसको सेंटेंस में देखेंगे। नंबर टू, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा को बताता है, परिणाम को बताता है, यानी जो नापी तौली जाती है वस्तुएं, उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। इसमें है सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशियंट, नन, मोस्ट, ETC माने और भी आगे हैं। फिर आगे आएंगे तो अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो गिनने वाली चीज़ें होंगी नाउन के पहले अगर इनमें से कोई आएगा तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें आता है 1, 2, 3 डॉट डॉट, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डॉट डॉट। उसके साथ आता है मेनी, फ्यू, वेरियस, सम डॉट डॉट, यानी ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, नाउन के पहले आएंगे और ये गिनने वाली चीज़ों के पहले आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फोर नंबर, तो फोर है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में जो देशों के नाम होते हैं उनके साथ लगता है, जैसे इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, चाइनीज, जापानीज, रशियन डॉट डॉट। नेक्स्ट आएंगे तो हमारा आता है फाइव नंबर पजेजिव एडजेक्टिव। पीछे हमने पाया पजेजिव प्रोनाउन और यहाँ पर पजेजिव एडजेक्टिव है, जो हमारी यानी केस होती थी प्रोनाउन की, चौथी केस उसको हम कहते थे पजेजिव प्रोनाउन, और तीसरी वाली जो होती है उसको हम कहते हैं पजेजिव एडजेक्टिव। जैसे आई, मी, माई, हमारा बनता है आई, मी, माई, उसके बाद होता है माइन, उसके बाद होता है माई सेल्फ। तो ये और ये यानी हमारा प्रोनाउन था, लास्ट में ये भी प्रोनाउन था, ये भी प्रोनाउन था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दोनों मिला के कौन से प्रोनाउन थे। अब इसमें हमारी जो तीसरी केस होती है, जो माई वाली होती है, योर वाली होती है, इसी को हम कहते हैं पजेजिव एडजेक्टिव। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर, ये सभी कहलाते हैं हमारे पजेजिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, ये उसमें भी थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे एडजेक्टिव होंगे। फिर सेवन नंबर है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, सच और एक और है द सेम, यही उसमें भी थे, तो वहाँ पर प्रोनाउन था, अर्थात ये वहाँ अकेले आते थे, लेकिन ये नाउन के साथ आएंगे तो ये एडजेक्टिव होंगे, और अकेले आते हैं तो प्रोनाउन बनता है, जिसको हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे है हमारा इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हमारा आता है व्हाट, विच और हुज,
व्हाट, विच और हुज, ये कहलाते हैं इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। अगला है इम्फेजिंग एडजेक्टिव और इम्फैटिक एडजेक्टिव। इसमें आता है ऑन है, वेरी है, सेम है, वेरी सेम है, ये कहलाते हैं हमारे इम्फेजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किसी सेंटेंस में कौन कौन से एडजेक्टिव आए हैं और वह किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।